मुझे तुम्हारी रूह से बगावत की बू आती है। तुम हमारे खौफ के बुत को अपनी हंसी से तोड़ दोगे। बोलने की जरूरत, हम तुम्हारे सबर को अपने जबर से तोड़ देंगे। जाओ, मौका है। अरे तुम्हारे बदन में लर्जा क्यों है? खौफ से मत कप कपाओ, जाओ, मेरी नमाज का वक्त हो गया। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। हम तुम्हारा नाम मिटा देंगे। हम तुम्हारा नाम लेने वाले भी नहीं छोड़ेंगे। तुम नहीं जानते हमारी ताकत। तुम किस कौम पर भरोसा कर रहे हो? मेरा ईमान मेरा रहनुमा है, मेरी हिम्मत मेरे अल्लाह से आती है। मैं जानता हूं तुम्हें कितना जोम है। तुमसे पहले भी बहुत फिरौन आए, उनको भी बहुत घमंड था। मेरी कौम मेरे साथ खड़ी होगी। हम खौफ के बुत को तोड़ देंगे। हकीकी आजादी हमारी मंजिल है। तुम जिसे हराने के लिए गिरे जा रहे हो, वो तो कब का जीत चुका है। ये लड़ाई तो शुरू ही उसकी जीत से हुई थी। तो तुमने जान लिया था कि तुम उसे हरा नहीं सकते, तभी तो तुम्हारे बगलों में छुपे खंजरों पर तुम्हारी उंगलियों के निशान चमके थे। कल तक जिन्हें तुम पीठों में घूमते थे, उसने तुम्हें मजबूर किया कि वो तुम उसके सीने पर रखो, और वो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर ये गवाही दे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। उसकी नजरों की बेखौफी ने ही तो तुम्हें नजरों से गिरा दिया है। आज उसका जंदान भी रोशन है और तुम्हारे महलों पर भी आज सेब का साया है। तुम दरिंदगी की जिस हद तक जा सकते हो चले जाओ। ये कौम अब ना पीछे हटेगी ना तुम्हें माफ करेगी। जीत तो वो गया है, अब तुम बैन डाल डाल के अपनी मजलूमियत का प्रचार करो या खिजालत में अपने नकाब नोचो। इमरान खान के फैसले पर तो तारीख की मोहर सख्त हो चुकी है। वो तो अपनी लड़ाई लड़ भी चुका और जीत भी चुका। आजादी या गुलामी का फैसला तो अब हमारा और हमारी नस्लों का होना है। फैसला हमने करना है, गुलामी या हकीकी आजादी। पाकिस्तान का मतलब क्या?